नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आऊँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिद्दी सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सफ़ेद बालों की परेशानी आज की डेट में उम्र से पहले और उम्र हो जाने के बाद बहुत ही तेज़ी से उत्पन्न होने लगी है। हर एक व्यक्ति चाहता है उसके बाल काले रहें और वो देखने में खूबसूरत लगे। अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं और आपका चेहरा साफ सुथरा होता है तो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, या इसका उल्टा, चाहे आपका चेहरा भद्दा हो और आपके बाल काले रहते हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी फिर भी खराब हो जाती है। दोस्तों, इस परेशानी के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, कम उम्र में सिगरेट और दारू का सेवन करना, जिसकी वजह से वो जितने भी गंदे टॉक्सिन होते हैं वो आपके शरीर के अंदर गंदे टॉक्सिन पैदा करते हैं और उसी की वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लड का संचार नहीं हो पाता और उसी के चलते ही आपके सफ़ेद बालों की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दूसरा कारण होता है प्रोटीन की कमी होना। मतलब कि दोस्तों, जो लोग अनहेल्दी डाइट खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी पोषक तत्व ना होने के कारण आपके बाल उम्र से पहले ही टूटने झड़ने लगते हैं, साथ साथ सफ़ेद भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग चिंतित होकर के तनाव में आकर तरह तरह की दवाई लगाते हैं, तरह तरह के सरम लगाते हैं, तरह तरह के तेल लगाते हैं, परंतु उनका कुछ भी नहीं हो पाता, उल्टा उनके सफ़ेद बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों का उपयोग करने वाले हैं जो कि हमारे घर पे अवेलेबल होने वाली है। जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये चीज़ है क्या और आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल में लेना है। सबसे पहले आपको एक क्लीन कटोरी लेनी है और इसके अंदर आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा नारियल का तेल। नारियल के तेल के अंदर दोस्तों विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये आपकी झाइयों में झुर्रियों को ख़त्म करता है, साथ साथ आपके सफ़ेद बालों को नेचुरली जड़ से काला करता है और आपकी स्किन पे से जितने भी स्केर्स के निशान होते हैं उसे जड़ से समाप्त करता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक चम्मच के तकरीबन ले लेना है हमारा नारियल का तेल कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का अगर आपके पास पौधा है तो आप उसका भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ ये ले सकते हैं जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके पिंपल से निजात दिलाता है, आपकी स्किन पे ग्लोइंग और फेयरनेस लाता है और यही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है। साथ साथ ये आपके सफ़ेद बालों को नेचुरली जड़ से काला करने में कारगर साबित रहता है। तो अब आपको इसको कम से कम एक चम्मच के तकरीबन ये ले लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ले लेना है। अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो लेना है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो है दोस्तों ये दोस्तों आपको एक चम्मच के तकरीबन ले लेना है। ये दोस्तों आपको किसी भी दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यह दोस्तों हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर दोस्तों कैफीन पाया जाता है जो कि आपके बालों को नेचुरली जड़ से काला करता है, साथ साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को पकता है जिससे कि आपका खाना अच्छे प्रकार से पच पाता है और ये आपके सफ़ेद बालों को नेचुरली जड़ से काला करने में कारगर साबित रहता है। तो आपको करना क्या है, ये कॉफ़ी का एक सैशे ले लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस नुस्खे को लगाना है। जैसे आप हेयर डाई का यूज़ करते हैं वैसे ही आपको इसको लगाना है अपने बालों में। तक हल्के हाथ से मसाज करनी है जिससे कि ब्लड का संचार होगा और जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बालों में लगेंगे। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको एक घंटे बाद अपने बालों को साफ़ पानी से धो लेना है। और ध्यान दीजिएगा, आपको अपने बालों के अंदर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल में नहीं करना है और केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। इस नुस्खे को लगाना है फिर आपको एक घंटे बाद धो लेना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स या मित्र इस परेशानी से जूझ जाओ उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पर फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।